मैं कुर्ता का पजामा इसके ऊपर। बोलो तो गाइस हम लोग गए हैं रेडी भैया दूज पे जाने के लिए मामा के घर। बोलो गुन्नू भाई जब मामा के घर जा रहे हैं हम तैयार हो गए तो हम भाई आपको मामा पास मिलेंगे। और मेरे भैया ने कपड़े पहन लिए थे कुर्ते पजामे। मैं और... ये सोच रहा हूँ कि वो जो वो शर्ट शर्ट लाई थी ना पजामे के ऊपर वही पहन लेता हूँ। हाँ पहन लेता हूँ ना। नहीं नहीं स्वेट शर्ट कोई पहनते पजामे के ऊपर दे जस तो उनको थोड़ा जोकर लगेगा। उनको क्या पता देखने वाले को तो जोकर ही लगेगा। हाँ ये वाले कपड़े पहन ले नीचे फुल टी शर्ट पहन के ऊपर स्वेट शर्ट पहन ले। हाँ बहुत अच्छे लगेगा नीचे से अंदर फोल्ड हो जाएगा। अच्छा ये तो कर लो। तो गाइस हम दोनों रेडी हो चुके हैं तो अभी मैं गुन्नू को दिखाता हूँ। गुन्नू तो छुप रखी है मैं तो रेडी हो गया अच्छे से पूरा। गुन्नू को अभी मैं दिखाता हूँ। देखो मेरे शूज मैं गुन्नू ये रही गुन्नू सब अच्छे होंगे। तो आज है भाई दूज और हम जा रहे हैं भाई दूज मनाने मामा के घर। देखा मेरी मेहंदी देखो। नमस्ते 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 चल खरगोश बन के आई है खरगोश इधर इधर मुकर के देखो खरगोश आ गया मेरा खरगोश आ गया। मतलब तेरे मारे आई हो जल्दी के फिर 11 बजे के क्या क्या तो रहा था हमारे का फिर भागम भाग जाए। हाँ अभी इनको मत सजाओ हमारे भाई साहब इनके बारे में जल्दी मामा ऑफिस जाने के लिए भी रेडी हो गए ये कोई बात नहीं देने तो हमें इनको ही है। ठाकुर जी बैठाओ बैठा दो बैठा दो बैठा दो भाई बड़ी तो वो है शायद इसको उसको ही करना है तो टीका पतला हो गया हल्का हल्का ही टीका लगा देते हैं। मुना तेरे टाइम लगेगा क्या आ जा आ जाओ फिर तू ही करेगी पहले तो बस तू लेकर आ बड़ी शांति से हो रही है ना मैं तो सो रहा है तो इतनी शांति कहानी है इसमें चकड़ी सासू ये बिछा लेती ना देखिए लाल जतिन के नीचे ने लंबी करके सुंदर लगता है फोटो में भी। कोई बात सब बढ़िया है ये ना रंग लग गया है इस पे ये रंग लगा हुआ है इसमें सारे में रंग टीका लग गया टीके में रंग लगा दूसरी उंगली से खिला दे दूसरे हाथ से खिला दूसरे हाथ से खिला दे सारे में तो रंग लगा दिया नहीं लगेगा लेना तू मैं तो नहीं कर दूंगी लो मैं सब तू आ जा रखिए मैं तो ऐसे ही कर देती हूं चल नाम नाम का मैंने नहीं लगा काजू के लिए चल
और इस पे पूजा का करेंगे तो मैं तो कभी नहीं करते थे तो छोटे गोपाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सीता गीता दोनों तिलक कर रही है बांके बिहारी लाल की जय। भाई दूज व्रत कथा। भाई दूज का त्योहार अर्ध कार्तिक दूज को मनाया जाता है। भाई दूज को बहनें अपने भाइयों को जिमाएं, अपने हाथों से टीका लगाएं, नारियल दे, भाई अपनी बहनों को रुपये दे। यदि बहन भाई को अपने हाथ से जिमाएं तो भाइयों की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भाई दूज व्रत कथा। एक ब्राह्मण के दो संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी, वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई अपनी बहन से मिलने से ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी, तभी बहन के का सूत का तार टूट गया। वह भाई आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा नहीं और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया और उसे पता नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बना दिया और कपड़े में बांधकर दे दिए। जब वह चला गया तो उसे सांप पिसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चे को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में कोठरी रखी देखी। भाई ने अब तक कुछ नहीं खाया था। उसने सारे लड्डू फेंक दिए। भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरी देखी। एक राहगीर से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज नहीं होती हो उसके भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे और भाई भावज को कोस कर गालियां दे, तभी वह भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देते हुए स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहाग रात को भाभी के साथ स्वयं सोने चलती। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो जानती थी नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोती रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तब उसकी माँ उसको उसकी याद आई तो कि उसे भी विदा करे। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा कर गुस्से से बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चे को पालने में रोते चिल्लाते छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, यह कहकर लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोकर आदर के साथ विदा किया। भाई दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवा तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। बोलो कपूर गोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। बोल विष्णु भगवान लक्ष्मी माता तुम्हारी सदा ही जय। सब भाइयों की लंबी उम्र हो प्रभु, सब ठीक ठाक रहे अपने परिवार में। टूट गया कोई बात नहीं।
नमक चाट जाए, नमक थोड़ा, मीठा खाया है। मम्मी देखो मुझे डंडे से मार दिया है। कौन? वो लड़की बैठी। लड़की? ओ ये लड़की है। अच्छा बाय कर दो मामा को। बाय मामा। बाय मामा गए ऑफिस। गुन्नू मामा ऑफिस जा रहे हैं अब। बाय कर दो। तू आ नहीं सकती ऊपर, तुझे तो मैं बताऊंगा। रुक। हेलो। आजा आजा। गुड मॉर्निंग मेदू। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे अरे अभी तो नींद में है भाई, अभी तो नींद में है भाई। कौन आ गया ये? कौन आ गया? मौची आ गई। मौची मौची दोस्त मेरे तो चश्मे में लगाए। दोस्त आ गया मिलने। ओए 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 कौन आया? उसके पैर लग जाएगा नीचे कर ले। दोस्त आ गया। दोस्त कहाँ है? दोस्त मैं तो दोस्त कहाँ है? दोस्त दोस्त नहीं है। अरे 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 हमें तो जानते ही नहीं। तू ही बढ़िया। ओ बेटे कैसे आना हुआ? गिरा गई तुझे गंदी गंदी लड़की। चेक कर रहा है तेरे आंख नाक दांत सब उसी वहीं पे हैं। चेक कर रहा था ध्यान से। खा जा मैं तुझसे। काटता तो और है। चलो आओ। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। दोनों गालों में भर लिए हैं पकोड़े। इसके पास ये तो बैठी हुई थी किसी पिंक शूज में। ठीक है क्या कर रहा है? ये तोड़ना है? बटन तोड़ना है? क्यों तोड़ना है? अच्छा नहीं लग रहा? क्यों तोड़ना है? अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? आ गई मेरी राजकुमारी। राजकुमारी वो ऊपर चोटी बनाई अपने डीजे। वो ना वो आती एक बार तुम्हारा का मेरे ऊपर हो गई खोदी। सच्ची सच्ची बता दे मैं सच्ची पक्का। गॉड प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस। अब ये तो नहीं बोला ना। गॉड प्रॉमिस बोला। गॉड प्रॉमिस तो बोलते हैं सब बोलते हैं। गॉड मौसी गॉड प्रॉमिस अलाउड है। हां बस गॉड प्रॉमिस। जो झूठी कसम खाते हैं ना गॉड प्रॉमिस भी बोलते हैं। भगवान जी की झूठी कसम खाते तो रात को उनको चुड़ैल दिखती है। तानी तो तेरे चिल्लाने से ही डर के ये बेफालतू में चिल्लाई है। तू बता देगी तो तुझे नहीं दिखेगी। अब देख ले तू झूठ बोल रही है। सच में बात भी ऐसे हो रहे हैं। सच्ची में दिख जाएगी। अच्छा है बाबा गोरखनाथ का नाम वो तो बहुत देर की मेहनत के बाद गुड्डू का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा सा दिखा है। बैठ जाए इधर नीचे बैठ के दिखा। अरे सामने हो जा। ये इसकी फवारा छोटी। सामने से दिखा ऊपर को सीधा कर। कैसे बैठ महारानी है वो। वेरी गुड बहुत अच्छे। तेरी मम्मी की मेहनत है। चलाना नहीं आ रहा? कोशिश करो पैडल मारो जैसे अपनी साइकिल में मारते हो। मारो मारो शाबाश। पैर तो आ रहे हैं। घुमाओ ना पैर को जैसे अपनी साइकिल चलाते हो। देखो भाई मेदू मास्टर आ गया। नाई नाई करके आ गया। ओले कंकी करा रहा है। ए भाई ओ छोटे राठी राठी साहब। अच्छा तू पत्तू
अच्छी भी हो गई, अच्छी भी हो गई, और अच्छी हो गई, अच्छा अच्छी हो गई। कैसे खांसी हुई मेदू को? मेदू बस बस बिंदी देख ली, आप गुन्नू की तरह बिंदी देख ली, अब बिंदी पे जाएगा। वो तो कह रही है मेरे को तो लिपस्टिक लगा दो। ड्यूटी चले गए हैं हम, बच्चा पार्टी मस्ती मार रहे हैं। मम्मा जल्दी करो ना, फिर डिस्पेंसरी भी जाना। गुड्डू को तो भाव टीका लो, ये लो दिल्ली, और भाई को टीका लगाओ। पहले छोटे को लगा दे, छोटे को ये रुक नहीं रहा ना। जय बाबा की, लगा दिया। अब भाई के हाथ में बोला दो, या अच्छी टीका लाओ, दे दो दे दो मेरे को। अच्छी गली का देखो, जय ये मेरी दीदी, जय ये मेरी दीदी, जय थैंक यू। और थोड़ी सी मिठाई खिला दे, बस थोड़ी सी खा जाएगा। और खाने की चीज खाएगा नहीं? अरे मैं तो ये लगा दे थोड़ा सा बस। आहा चलो हो गया ना, बस लगा रही हूं मां। भूख चावल लगा, चावल चावल चावल। ठीक है, अब भाई को गोला दे, ये वाली खिलाओ। अब मिठाई खिलाओ, ये वाली बर्फी खिलाओ, बर्फी। पानी का क्या करना है? पानी का कुछ नहीं करना, बस उसको बर्फी खिला। पानी से कल तुझे नहाना है। पूरी खिला देना। हो गई, ठीक है चल। गुन्नू गुन्नू आओ, नीचे कर ना सर। खा ले उस मिठाई को, आ जा मेदू, आ जा। इसको बर्फी खिला दे, ये ले थोड़ी सी बर्फी खिला दे, इसका मुंह भरा पड़ा है पहले से, ये खिला दे थोड़ी सी। छोटा सा थोड़ा सा खिला दो, रुक जाना, तो देगी लेकर चलता बना। देखो देखो आओ जल्दी आओ बैठो, चलो अब आपका नंबर, अब आपका नंबर देखो, दोनों ही चल पड़े तो। गुड्डू गुन्नू भैया को भी टिक कर दो, मेदू को पेन को रख दो, आजा मेरी गोदी में, आप कर देगी। चल इसमें लगा टिक्का, जय कर दो, जय बाबा। देखा आंख में ना मार दे, ओ बड़े आराम से लगाया। अरे मैं लगा दूंगी, ये बाज वेरी गुड। देख सबसे अच्छे तो गुन्नू और मेधु ने करी है। खा लो बर्फी खाओ, पेट भर गया उसका। गुन्नू गोला दे दो भैया को उठा के, गोला दे दो, ये गोला है ना, ये गोला दे दो, ये भैया को दे दो। वेरी गुड भैया को पुचकार दो, गुन्नू मैं तुको पुचकार दो, ऐसे जीते जीते छोटे शाबाश। जब इन दोनों की फोटो खींच ले यहाँ पर, ये ले। तो वो तो भाग लिया गोले के पीछे, ले बॉल बना ली इसने तो, ये तो खेलने लग गया कि नीचे से निकल जाएगी। अब पेन भी यहीं रखा होगा, वो तो खेलने लग गया, उसको तो बढ़िया बॉल मिल गई है। पूछो हैप्पी हो, हैप्पी हो। ये भैया ने दिया है आपको, भैया दूज का गिफ्ट है ये आपका। मुझे देखना है इसको।
देखना है, ये देखने की चीज थोड़ी है, ये तो खाने की चीज है। चॉकलेट खानी है अभी, चॉकलेट भी मिल जाएगी। मेधु वापस लेके जा रहा है, आपको चॉकलेट खानी है तो मेधु वापस लेके जा रहा है अपना डब्बा उठा के। बस दीदी गिफ्ट देना तो दे दिया। छीन लिया, छीन लिया। तेको नहीं मिली, देखो दीदी। ओले मम्मी से गुस्सा हो जाओ, कहो मम्मी से गुस्सा हो जा, मम्मी कैसा भेदभाव है, ये मेरे को नहीं मिली चोको पाई। अरे वाह भाई, बहनों बहनों का प्यार, नहीं तेरे को नहीं खिलाई। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बोलो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कि नहीं खिला रही? बोलो मासी खिला दो। वो गीत गा रहा है, वो तो गा रही है। तो बच्चों आओ, धीरे धीरे गुन्नू, गुन्नू आराम से आ जाओ, आराम से। देखो उसको उतार रही हूँ, ये हटा दी, एक बार साइड पर सेट आई हो। ये तो गार्लिक है ना, मैं खिला दूं। तो यहाँ चल रही है भाई दूज पे पिज्जा पार्टी। इनके दांतों की सर्जरी हुई है, पिज्जा में लबालब हो रही है अभी। पिज्जा के आगे सब दांत, जार दांत सब चल रहे हैं, है भाई? क्यों भी आगे खाने, इसका भी जी नहीं लग रहा, ये भी आया खाने। खा लो, खा लो गुन्नू, गुन्नू को तो जब ही अच्छे लग रहे हैं। तू लगा अपना ट्राइपॉड, खाएगा, खाएगा। ले ले, तू तो, तुम दोनों माँ बेटी बनाओ, सर नहीं तो पिज्जा खा रहा। बोलो मम्मी मैं तो पिज्जा खा रहा हूँ। नानी को बोल, नानी मैं बड़ा हो गया, मैं सैर लेके खाऊंगा, पिज्जा खा रहा हूँ मैं। देखना खा गया ये ऊपर का। और नानी डांट रही है मुझे, इसको तो अच्छा लगा है, तो हूं कर रहा है। कटोरा है तू, पापा पे गया, पापा पे गया चटोर पर मैं। नहीं नहीं मना कर रहा है तो बाय करो मौसी को, बाय मेरे, बाय देखिए कितने उसमें फोड़ रही है पटाखे, और ये जो सीमेंट है ना, इनमें
ये रिसीव बनाना पार दियो अच्छा तुम्हारा तो वही टॉयलेट भरी रहती है बाय बाय मेधु टाटा प्याई कर दो प्याई तो करी थी अभी सर पे अच्छा फिर से करके दिखाना मैंने तो देखा ही नहीं आपको गुड नाइट बोल दिया आपने भैया को हाँ भैया बोला आपको हाँ पानी पीना है भैया को पीना है पानी हाँ तानी पानी पीना है नहीं गुड नाइट स्वीट ड्रीम तानी ऊपर आएगा बेड पे आएगा है बताओ नहीं नहीं अब सो रहा है भैया सोएगा अब तो और ये क्या कर रहे हैं तो गाइस आज हमने भैया दूज बनाया तो होप आपको हमारा भाई दूज वाला वीलॉग पसंद आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग में तब तक के लिए गुड नाइट टेक केयर बाय स्वीट ड्रीम बाय कर दो बाय